नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष यूर सीएससी गाइडर पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के फ्रेश एडमिशन के बारे में। देखिए यहाँ पे आपके सेशन 2022 जनवरी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसी के बारे में प्रॉपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करनी है क्योंकि वीडियो के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी काफी सारी वीडियोज अपडेट लाता रहा दोस्तों जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है और आगे भी लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले करें हमें बात करें यहां पे स्टार्टिंग डेट्स की के बारे में। तो देखिए यहां पे जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो है दोस्तों 25 दिसंबर, मतलब ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपकी दोस्तों 31 जनवरी, और अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप 31 जनवरी से पहले ही अप्लाई करना है क्योंकि बाद में साइट काफी बिजी हो जाती है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे बात करें बैचलर डिग्री के बारे में, तो देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बैचलर डिग्री की फीस की बात करें तो यहाँ पे आपकी फीस लगेगी 3300 रुपये अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बीसीए या बीसीबी से हैं, या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें एससी या एसटी कास्ट के बारे में, तो यहाँ पे एससी और एसटी कास्ट की कोई फीस नहीं लगेगी। उसके बाद अगर बात करें मास्टर डिग्री की, अगर आप फीस की बात करें, देखिए मास्टर डिग्री में हर एक कोर्स की अलग अलग फीस होती है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कोर्स करना है, मान लीजिए जैसे आपको एमए करना है, एमए का कोई भी कोर्स करना है, जैसे मान लीजिए आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश में करना है, तो देखिए यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे रीड मोर पर, तो यहाँ पे आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मीडिया मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा, स्कूल, इसकी जो भी डिटेल्स होगी, सारी कोर्सेज की सब्जेक्ट सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। तो आप यहाँ से पूरी डिटेल यहाँ पे इस कोर्स के आप ले सकते हैं। तो ये बात होगी आपकी डिटेल्स के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फीस की आगे, तो देखिए यूजी और पीजी के जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम से एक या दो मंथ पहले आपको फीस पे करनी पड़ती है। 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपको एग्जाम फीस पे करनी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए या बीकॉम अगर आप यहाँ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, एक आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, एक आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप एससीबीसी या बीसीए या बीसीबी कैटेगरी से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, एक फोन नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो ऑनलाइन। तो उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें कि कोर्सेज आप यहाँ पे कौन से कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पे आप काफी सारे कोर्सेज कर सकते हो। अगर मैं आपको कोर्सेज यहाँ पे दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे आप एमफिल के 10 कोर्सेज कर सकते हो, पीजी सर्टिफिकेट के 2, पीजी डिप्लोमा के 11, डॉक्टरल की डिग्री के 43, मास्टर डिग्री के 44, डिप्लोमा के 22, पीजी एंड एडवांस सर्टिफिकेट के 13, बैचलर डिग्री के 31, ऐसे काफी सारे कोर्सेज हैं आप यहाँ पे जो कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी कोर्सेज करना है तो एक बार आप यहाँ पे सर्च करना, आपको यहाँ पे वो कोर्सेज 99% मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हो, देखिए यहाँ पे साइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डाल लेनी है। डिटेल डालने के बाद जैसे आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक मेल आएगी जिसपे आपका आईडी पासवर्ड होगा, आपको सिंपली वो आईडी पासवर्ड लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। आपको कहीं भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में तो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे को व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो दोस्तों। उसके अलावा एक या दो दिन में मैं वीडियो भी इसके आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।